खबर हमीरपुर से है। आपको बता दें, एक ऐसे विद्यालय की हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे जो मौत को दावत दे रहा है। यह विद्यालय हमीरपुर जनपद के तहसील सरेला के प्राथमिक विद्यालय बेलपुर का है। इसकी छत पूरी तरह से टूट चुकी है। बरसात में छत का पानी अंदर आ जाता है, छत कभी भी टूट कर नीचे गिर सकती है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब सोचने वाली बात है कि बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। इस विद्यालय में 125 छात्र पंजीकृत हैं, वहीं कुछ बच्चे बाहर खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। बरसात, सर्दी, गर्मी में बच्चे किस तरह बाहर बैठकर शिक्षण कार्य करते हैं, इस बात पर विद्यालय के अध्यापकों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मगर उसकी सुनवा नहीं हुई, बच्ची बैठती है मजबूरी में, बैठाने पर हमें कहीं बैठाने के लिए जगह नहीं है। मजबूरी में जो है बच्चों को छत के नीचे बैठाने पर बैठाने पड़ता है। ये कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय बीरपुर। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हमारा काशीराम सहायक अध्यापक। अच्छा, सहायक अध्यापक। तो यहाँ पर जो ऐसे बैठे हैं तो ये बारिश में पानी भी आता होगा? जी, बारिश पूरी छत टपकती है। अच्छा, ये छत टपकती, वो छत टपकती, जेकल का छी है वो भी छत टपकती है। सर जी, यहाँ छात्र संख्या 125 है। 125 है, तो ये बाहर पेड़ के नीचे ही बैठे रहते हैं? सर, छतें पूरी टपकती हैं, जर्जर हैं, जिसके कारण गिरने का डर रहता है, तो इस कारण से बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है। धूप जैसे आती है फिर क्या करते हैं? सर, धूप आती है तो कुछ बच्चों को फिर उसी में एडजस्ट करते हैं। जी,